दोस्तों आज किचन में बना रहे कॉन्टिनेंटल की फेमस ट्रेंडिंग या वायरल कह सकते हो कोरल ट्यूलिप गार्निश। देखने में बहुत ही ज्यादा अच्छी और कलरफुल लगती है और बनाने में एकदम आसान है। तो चलो बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बनाना। हेलो दोस्तों, मैं हूँ शेफ भरत और आपका स्वागत है भरत किचन में। दोस्तों क्वांटिटी सबसे ज्यादा मैटर करती है, इसके अंदर 250 ml जितना वाटर डाल देंगे, साथ ही 80 ml जितना ऑयल डाल देना है और 40 ग्राम जितना हमें मैदा डाल देना है इसके अंदर। अभी इन सबको अच्छी तरीके से मिक्स करना है ताकि जो हमने ऑयल, मैदा और पानी डाला है क्वांटिटी का, वो एक साथ अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। अभी हमें 3 से 4 मिक्सिंग बाउल लेना है छोटे वाले और ये बैटर को हमें इक्वली सभी के अंदर डिवाइड कर देना है। तो मैं 4-4 टेबलस्पून जितना इसके अंदर डिवाइड कर दे रहा हूँ, सभी के अंदर डाल दे रहा हूँ। अभी इसके अंदर मैं एडेबल फूड कलर डाल रहा हूँ, थोड़ा अच्छा दिखने के लिए, गार्निश के लिए मोस्टली काम आता है। तो इसके अंदर येलो, रेड और ग्रीन कलर मैंने डाल दिया है, देख सकते हो। हल्का सा कलर डाले, ज़्यादा डालने की जरूरत नहीं है, बस कलर डाल के इन सबको हमें अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर हमारा प्रिपरेशन हो चुका है। तो गैस पर मैंने एक नॉनस्टिक पैन रखा है, उसके अंदर एक रिंग रखा है छोटू सा, और जो हमने बैटर बनाया है वो इसके अंदर डाल देंगे। बस याद रखें गैस के फ्लेम को एकदम हाई पर रखें जब आप बैटर डाल रहे हो इसके अंदर। बस हाई फ्लेम पे सबसे पहले इसे 1 से 2 मिनट तक फ्राई कर ले, बाद में गैस का फ्लेम एकदम लो पर रख दे। बस अभी एकदम हल्के हाथों से रिंग को उठा ले, एकदम आसानी से निकल जाएगी। बस अभी हमें इसे टिश्यू पेपर में निकाल लेना है। उठाने के लिए आप टूथपिक का इस्तेमाल भी कर सकते हो, एकदम हल्के हाथों से उठाए। तो बस हमारी चारकोल ट्यूली कॉन्टिनेंटल की गार्निश बनके रेडी है। बस आप क्वांटिटी और बनाने का तरीका को अच्छे तरीके से ध्यान रखें तो एकदम परफेक्टली बनेगी, एकदम जाली जाली वाली, देख सकते हो। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूले, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ में। टेक केयर, बाय बाय, सही होना रहा।